Srishti! Srishti! No, Srishti! No! Srishti, say something. बोलो श्रुति कुछ बोलो अरे का हो गया आपको तुम हम सबको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती अरे दवाई दिए हैं उसके बाद सो गई है मैडम जी अरे डॉक्टर से बात करवा दें हम दवाई देखो बता रहे श्रुति डॉक्टर से कहा पूछना अनुराग अनुराग भैया ये दवाई खा के ना मैडम जी एकदम गहरी नींद में चली गई अरे मैं तुम्हें वही बताने आया था कि वो दवाई खाते ही तुरंत नींद आ जाएगी ऐसी कौन सी दवाई है जिससे नींद आ जाती है ऐसी बहुत दवाई है जिससे नींद आ जाती है विशु ये दवाई आओ सृष्टि मैडम है ना उनके सर में दर्द हो रहा है आए तो इसलिए हम ये बाबूजी कमरे से दवाई लेके जा रहे हैं लेकिन ये दवाई क्यों सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है ये बाबूजी की दवाई है बहुत स्ट्रांग है मैं तुम्हें दूसरी दवाई देता हूँ वो थोड़ी माइल्ड वो दे दे ठीक आओ मेरे साथ हाँ ठीक तो दवाई आपने दी थी हाँ विशु एवरीथिंग इज फाइन अभी रागिनी को चेकअप करने के लिए डॉक्टर आ रहे हैं उनके साथ साथ हम सृष्टि का भी चेकअप करा देंगे तुम इतना घबराओ मत दवाई आपने दी थी हाँ आई लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए आप भी आए इतना टेंशन दिए कि हम भी घबरा गए अच्छा कि आपने इन्हें माइल्ड दवा दी इनको स्ट्रॉन्ग दवा की जरूरत नहीं थी और आपको आज पहली बार चक्कर आया है या फिर पहले भी आते थे डॉक्टर पिछले दो तीन दिनों से हमें चक्कर आ रहे हैं लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कुछ मन अजीब सा हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा क्यों डॉक्टर साहब बहुत दिनों से ना परेशान भी है हमको लगता है शायद इसीलिए हाँ वो तो ठीक है इन दिनों आपने वेट भी गेन किया है क्या हमको तो नहीं लगता है मैडम जी ने वेट गेन किया शायद अगर वेट गेन किया भी होगा तो थोड़ा सा नॉट श्योर बट डॉक्टर सब ठीक तो है ना जी बिल्कुल सब नॉर्मल है मैंने इनका ब्लड सैंपल ले लिया है और मैं कॉल करती हूँ आपको बाद में थैंक यू डॉक्टर वैसे मैं 99% श्योर हूँ कि सृष्टि Srishti is pregnant. Congratulations. अरे इतना अच्छा खुशखबरी इतना लेट दिया आप पहले बताते हमको हैं मतलब मैं 99.9% पापा के साथ साथ बाऊजी भी बनने वाला हूँ क्या बात है बैजू थैंक यू ये तो बहुत ही अच्छा खबर सुनाया आपने डॉक्टर साहब कांग्रेचुलेशन कितना खुशी का बात है अरे छोड़ो छोड़ो नहीं हमसे छुपाओगी हमसे छुपाओगी दिखाओ क्या दिखाओ क्या हम भी कर सकते हैं दिखाओ हमें क्या नहीं दिखाओ दिखाओ क्या हम नहीं दिखाएंगे हमें बहुत बहुत घबराहट हो रही है हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी मुट्ठी के अंदर खजाना है अगर हम इसे खोल देंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा पगलेट अरे जब खजाना खुलता है ना तो खुशियां बिखेरता है समझी पता है हमें भी ऐसे ही लगता था जैसे हम एकदम अचानक से ना बहुत बड़े हो गए हैं एक जान का जिम्मेदारी है हमारे ऊपर ही छोटा बात नहीं है फिर कभी कभी ऐसा लगता था जैसे हम एकदम छोटे बच्चे हो गए हैं और एक पूरी जो दुनिया है ना उसे हम एक नई नज़र से देख रहे हैं कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमसे ना कुछ हो ही नहीं सकता है हम फिर जब छोटे ठाकुर के बारे में सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे ससुर हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है एक जीते जागते इंसान को इस दुनिया में लाना कोई मजाक का बात है का और फिर तुम्हारे और अनुराग जी के बीच में सब कुछ बदल गया शुरुआत में थोड़ा भौर आए थे लेकिन अब जो है ना सब धीरे धीरे ठीक हो गया है
ऐसा लगता है कोई एक 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 अनजान डोर है जिन्होंने ना हम दोनों को ऐसे बांध दिया है. हमारी हमारी सारी उम्मीदें, हमारे सारे सपने, सब कुछ बस छोटे ठाकुर के आसपास से मट गया. ऐसा मन करता है फटाक से बाहर आ जाए हमारी गोदी में और हम इसके साथ खेले छोटे ठाकुर. जानती हो ये जो कुछ भी हो रहा है इसे होने दो. इसे पूरे तरीके से जियो. ये वक्त दोबारा नहीं आएगा. हाँ सृष्टि, हम तुम्हारा बात समझ गए हैं, लेकिन अभी हमें दिखाओ. का छुपा रही हो हमसे? फटाक से दिखाओ. एक दुई तीन. जी अब तो हम पानी भी पी लिए हैं. अरे बताइए ना, इतना अर्जेंट हमको आप फोन करके बुलवाई हैं. अरे हमको टिकट नहीं मिला, हम ट्रेन में लटक के आए हैं बताइए. अब स्टेशन पे हमको अम्मा और दिव्या मिल गए. हमको लगा हमको रिसीव करने आए हैं. अब इनको भी आपने बुलवाया ना, कुछ तो बात होगा. बताइए ना क्या बात है. अरे बताते हैं देवर जी, काहे इतना उतावले हो रहे हैं. और अम्मा जी को और दिव्या को भी आज ही आना था, समझे? देखिए बात तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये बात जो है ना वो आपको हम नहीं बताएंगे, वो आपको आपको सृष्टि बताएगी. सृष्टि चलो बताओ. नहीं हम नहीं बताएंगे, बैजू बताएंगे. हम बताएंगे? हम क्या बताएंगे आप? मैडम जी खबर पक्का तो है ना? अरे बैजू बेटा खबर तो एकदम है पक्का है. फोन तुम्हारे सामने ना आया था. लेकिन आप लोग इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? क्या बात है बताइए ना बैजू भैया. सृष्टि सृष्टि बताएगी, बताओ सृष्टि. नहीं नहीं हम नहीं. बैजू बैजू आप बताइए. अरे बताइए भाई क्या बात है, हमारा उत्सुकता बढ़ता जा रहा है. बताइए ना भौजी क्या बात है. सृष्टि बिटिया. जी दादी. यहाँ और बैजू तुम भी आओ. यहाँ आओ. हम का छुपा रहे? अरे बिटवा हर बात मुंह से बोलने का नहीं होता है. इन दोनों के चेहरों को गौर से देखो, सब समझ जाओगे. ये दोनों हमको फिर से परदादी बनाने वाले हैं, समझे? अम्मा जी हम जानते थे कि कोई बोले ना बोले, लेकिन आप जरूर बूझ जाएंगे हैं. अरे भौजी फिर तो आप एकदम सही किए हमको बुला के, बहुत खुशी का बात है भाई. बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई. अरे खुश रहिए खुश रहिए. बैठिए बैठिए. क्या बात है? अरे बेटा खुश रहो है. दूध ना फू तो फलो. खुश रहो खुश रहो खुश रहो. खुशी का बात है तो यही बात पर हलवा खाइए गरम गरम है. लो फुआ. ऐसे हमारा चिंता मत करना, हम खा लिए. काहे कि हमको चीख के देखना था ना कैसा बना है. हम जानते थे आप ना तुरंत ही खिलौना ले आएंगे. भौजी अब तो आदत हो गया है ना, पहले अब बिशु के लिए अनुराग के लिए लाते थे, अब जहाँ भी खिलौने की दुकान देखते हैं ना सीधा उठा ले आते हैं. अरे बच्चा लोग खेलेंगे, खुशी का माहौल रहेगा घर में, अच्छा लगेगा. अब बैजू कहाँ पे हैं? अब बैजू भैया को ना मैंने अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा था. अच्छा सृष्टि तुम भी जाओ, हमको ऐसा लग रहा है कुछ हो सरप्राइज है. जाओ जाओ. दादी हम अभी आए. जाओ. सृष्टि प्रेग्नेंट है, बैजू बाप बनने वाला है. घर में सब बहुत खुश हैं, इतने खुश कि
बाकी सब पागल हो गए। जिसको देखो अपने सपने सजा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, नहीं देख सकता मैं, नहीं देखा जा रहा मुझसे ये सब। आग लग रही है मेरे अंदर, आग लग रही है। कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? कैसे बाप बन सकता है? कैसे बाप बन सकता है वो? क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठे हो? और तुम ऊपर क्यों आ गए? नीचे तो बहुत खुश थे। मैडम जी खुश तो हम बहुत हैं। इतना खुश है कि हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन लेकिन क्या? हमारी तरफ देखो, क्या हुआ? जो लोग कहते हैं कि जो कुछ भी किया होता है ना जिंदगी में, इसी जन्म में इसी जिंदगी में अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। और हम तो कोई महात्मा ठहरे नहीं, कहीं सबका असर हमारे बच्चे पर हम जो क्यों तो भूल ही जाइए। हम तो अभी काम करना भी नहीं जानते, कोई ढंग से काम भी नहीं करते, ऐसे में हम अपने बच्चे का परवरिश कैसे करेंगे? सिस्टर इज प्रेग्नेंट, कंग्रेचुलेशन। बिटवा, ये दोनों हमको फिर से परदादी बनाने वाले हैं। नहीं देख सकता मैं। अपना हाथ दो। जानते हो बैजू, हमारे पापा कहते हैं कि हर बच्चा अपनी किस्मत लिखवा कर लाता है, लेकिन इस बच्चे ने तो अपने पापा की भी किस्मत लिखवा दी। बैजू, हमारे बच्चे ने हमारे अंदर सांस लेना शुरू भी नहीं किया है और उसके पापा को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। अब बताओ, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हमें पूरा यकीन है कि तुम हमारे बच्चे को वो सब दोगे जो तुम्हें नहीं मिल पाया। तुम्हें अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए तुमसे बेहतर पापा कोई हो ही नहीं सकता। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारा बच्चा आ रहा है, हमारा बच्चा आने वाला है। हम कितने खुश हैं, जानते हो? उसकी किलकारियों से ये पूरा कमरा गूंजेगा। और वो छोटी सी नन्ही सी जान हमारी जिंदगी बन जाएगी। अरे मैडम जी, अरे अरे क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं आप? हैं? ऐसे हालत में कोई ऐसा भारी बाल्टी उठाता है क्या? हमको बोली थी हम आ जाते। अरे अरे बैजू, क्या कर रहे हो तुम? कोई डांटता है अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ऐसे? खामखा रुला दिया बेचारी को। मिस्टर जी, डांटेगा नहीं तो और क्या करेगा? हाँ, आरती थोड़ी उतारेगा। अरे देख रही कितना भारी बाल्टी। सृष्टि, का जरूरत था उठाने का इतना भारी बाल्टी? हाँ, घर का गीजर नहीं चल रहा था। तुम तो जानती हो ना कि हमें सोने से पहले गर्म पानी से नहाने की आदत है।
हाँ तो हमको आवाज दे देती, हम आ जाते हैं उठाने के लिए। अरे बैजू तो आ जाते, डांटने की क्या जरूरत थी? बैजू सृष्टि से प्यार करता है, डांट दिया और किसी को भी गुस्सा आएगा ना इस बात पे। अगर ये पगलेट वाला हरकत हमारे सामने करोगी ना दोबारा, तो हम भी ऐसे ही डांटेंगे। देखो रागिनी, वो प्रेग्नेंट है, मूड स्विंग्स होते हैं और ऊपर से हार्मोनल चेंजेस, दिमाग में 100 तरह की बातें आती है। कुछ बोल दिया होगा, कुछ कर दिया तो डांटने की जरूरत नहीं है ना। मिस्टर जी आप अपना जी हारमोनियम है ना ये कहीं और जाके बजाइएगा। प्रेग्नेंट है, ख्याल रखने का जरूरत है अपना। अब बैजू जो फटकार है ना बिल्कुल सही किया, अब एक भी भूल चूक नहीं होगी, नहीं होगी ना सृष्टि? अच्छा अभी आगे चलकर सृष्टि रात को 3 बजे अगर खट्टे आम मांगेगी और जब तक वो खट्टे आम लेकर आएगा उसका आइसक्रीम खाने को मन कर जाएगा, तो फिर क्या बैजू उसको फिर डांटेगा? अरे मूड स्विंग्स होते हैं रागिनी, तुमको नहीं पता है। तो ये आम और ये जो आइसक्रीम का ना आप हमें ताना दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है? सब मैं समझता हूँ और तुमको समझाता हूँ, तुम कुछ नहीं समझती हो। अच्छा हाँ हाँ, पूरी दुनिया का ज्ञान जो है आप बटोर के यहाँ लाए हैं, लेकिन इतना बुद्धि नहीं है कि बैजू को समझा दे। हाँ, हम पे भिड़ रहे हैं सीधा। अरे तो समझा ही तो रहा हूँ उसे, यही तो समझाए कि प्यार से बात करो, उसमें कुछ गलत क्या कहा है मैंने? तो जो बात समझने वाली है वो काहे नहीं समझ रहे मिस्टर जी आप? I'm sorry, मैडम जी। सॉरी तब बोलना जब तुम आगे हमारी फिक्र करना भूल जाओ, समझे? लगता है आपका जो पानी है ना वो ठंडा हो गया होगा। हम गर्म करके ले आते। नहीं, बाल्टी को यहीं रख दो। देखो ना ये दोनों कितना गुस्सा कर रहे हैं, इनके गुस्से से ही पानी गर्म हो जाएगा। हाँ अच्छा। बस कीजिए आप दोनों, आप दोनों को तो बस मौका चाहिए होता झगड़ने का। शुरू वो हुई है, उसको मौका चाहिए लड़ाई करने का। हाँ, अच्छा हम शुरू किए हैं लड़ाई? हाँ of course तुमने शुरू किया, मैं तो समझा रहा हूँ उसे। हमारा तो ना ससुराल नाम ही बदनाम है, असली झगड़ा तो आप स्टार्ट करते, सबसे ज्यादा लड़ा के आज फैसला हो जाएगा कि किसने झगड़ा किया। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, अपने कमरे जाइए, हम ही पानी गर्म करके ले आ रहे हैं। हम कभी भी बाल्टी उठा के नहीं लाएंगे। हाँ ठीक है, कोई बात, हम लेके आते हैं। हमें आम खाना। हाँ? नहीं आइसक्रीम। नहीं गरम पानी चाहिए। खाने के लिए? अब नहाने के लिए आओ। ठीक है हम लेके आते हैं, जाइए आप। आयो हलवाई वाले को ना 2 घंटा पहले हम ऑर्डर दे चुके हैं लड्डू लाने के, लेकिन अभी तक नहीं आया है। सारा काम जो है हमें को ना देखना है। अरे श्रीमती जी आप बैठिए, आराम से बैठिए, आप परेशान मत होइए। हम कहाँ बैठे, कब से ना कहा? हम देखते हैं, अभी फोन करके देखते हैं फिर से। सृष्टि भौरिया तुम हमको बताओ तुम का खाओगे? हम तुम्हारे लिए ना अपने हाथ से सब बना देंगे। हाँ और रागनी भौरिया तुम्हारे लिए भी। हाँ और हाँ, मीठे में अगर कोई स्पेशल चॉकलेट चाहिए तो मुझे बताना, एक बड़ा सा बॉक्स लाऊंगा चॉकलेट्स का, तुम्हारे रूम में रख दूंगा। और मिस्टर जी हम चॉकलेट खाएंगे। ओ तुम्हें भी चॉकलेट्स पसंद है? मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ मेरा दिमाग खाना पसंद है। अरे भैया आपके यहाँ से 4 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था हमने, कहाँ रह गया, अभी तक पहुँचा नहीं आपका आदमी। वो मिठाई वाला हमको मिल गया था, वो आ गया। आ गया, चलिए धन्यवाद। अम्मा जी पहले दोनों बहू को जो है लेकर माता जी का आरती कर लेते हैं, फिर आप उनको मौली बांध देना है रक्षा के लिए। चलो हे माता रानी, हमारे दोनों बहू और बच्चों का ना सेहत जो है वो एकदम अच्छा रखिएगा। हमार मन्नत के हिसाब से जो है हमने लड्डू आपको चढ़ा दिए हैं, बस तुम दोनों बहुरानी ने ना हमको जो खुशी दिया है ना हम बता नहीं सकते। अरे हाँ दिव्या जाओ तनी वो लड्डू जो प्रसाद में धरा वो ले आओ, सबको बांट दो हैं। अरे दिव्या तुम रुको, थाल मैं लेकर आता हूँ, भारी है ना। आई देखो पहले से ना ये लड्डू के पीछे जो है एकदम पगलाया हुआ रहता था, अभी भी वो है देखो।